बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे पांच बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं और ये खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, साथ ही तमिलनाडु में गिने चुने इलाकों में हल्की बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए केरल की, तो यहाँ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। साथ ही बात करें अगर तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। और इसके साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट हिस्सों में हल्की बरसात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम को लेकर कहाँ पर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है वो हम आपको बताते हैं इस नक्शे के जरिए। तो हमारे पीछे आप ये मैप देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके की मौसम को लेकर संभावना बनी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला है। तो यहाँ आपको बता दें कि जैसा कि आप उत्तर भारत के कुछ हिस्से देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी बरसात की स्थिति नहीं बनी हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम जगह पर इसके आसपास के इलाकों में अभी बारिश की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, तो जब आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार, झारखंड या गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो पूर्वोत्तर का हमने आपको हाल बताया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दक्षिण की तरफ जब हम रुक करते हैं, केरल में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, अंडमान और निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, वहीं लक्षद्वीप में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मध्य भारत का रुख करते हैं, तो मध्य प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल क्या कुछ रही। तो पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है, चाहे बात मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या उसके आसपास के इलाकों की हो। जब आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में इस तरीके का मौसम रहा है, यानी कि बारिश का मौसम रहा है इन तमाम जगह पर। ये हम लगातार आपको बताया हमने कि किस तरीके की मौसम की चाल रही, आगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 1-4-4-1-6 पर संपर्क करें। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको देंगे तापमान से जुड़ी जानकारी, यानी कि आपको बताएंगे तापमान का हाल, कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, कितना डिफरेंस दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान। सबसे पहले उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कितना अंतर जो है वो यहां दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, मेघालय, असम और ओडिशा की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान से। तो लगातार हम आपको अधिकतम तापमान बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो ये सौराष्ट्र कच्छ के भुज में दर्ज किया गया 38.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति भी बता देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। अब हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। लगातार आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की। तो यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और से जुड़े हुए गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह का तापमान भी जान लेते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ रही। पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कि न्यूनतम तापमान सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया। तो ये मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज किया गया 11.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको तापमान का हाल बताया, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में जो तापमान की स्थिति है वो किस तरीके की है वो भी आपको एक नजर में दिखा देते हैं। तो ये तो जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बढ़ाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे
दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया, अब इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 142 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं लखनऊ में 227 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पटना की। यहां पर 317 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु का रुख करते हैं, यहां पर 118 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे की बात करते हैं, यहां पर 105 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद हैदराबाद का रुख करते हैं, यहां पर 131 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता में ये 196 दर्ज किया गया, ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है, क्योंकि ये 200 से कम है। कोलकाता के बाद रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई में 186 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। अहमदाबाद में ये 147 दर्ज किया गया, ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है, क्योंकि ये 200 से कम है। तो ये हमने आपको बताया वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार से सोमवार तक कैसा मौसम रहेगा। यहाँ पर चारों दिन धूप खिलेगी, सूरज उगेगा और इसके साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। तो गुलमर्ग में चार दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो हमने अभी आपको बताया। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन सनी डे रहने वाला है। शुक्रवार से सोमवार तक चारों दिन अच्छी खासी धूप खिलेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, शुरू के तीन दिन 19 डिग्री सेल्सियस, लास्ट के चौथे दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन ये 11 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो मसूरी में चारों दिन कैसे रहेगा मौसम का हाल, ये हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के वाराणसी अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो चार दिन तक का मौसम है वो हम आपको बता दें कि थोड़ी घटा रहेगी, फॉग जो है वो रहेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों दिन और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों ही दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि वाराणसी में शुक्रवार से सोमवार तक फॉग रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं बिहार के गया की। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसी तरीके का मौसम दिखेगा, यानी कि चारों दिन फॉग रहने वाला है शुक्रवार से लेकर सोमवार तक और अधिकतम तापमान 30 से 31 रहेगा और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो गया अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहां जाने से पहले अपना बैकपैक इस ही अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के सिलचर की। और यहाँ पर चारों दिन की अगर बात करें तो चारों दिन धूप खिली रहेगी लेकिन घटा भी छाई रहेगी और शुक्रवार से लेकर सोमवार तक के अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 31 से 33 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 24 से 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो सिलचर में चारों दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम का रुख कर लेते हैं। यहाँ के गंगटोक अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पहले दिन थोड़ा धूप खिली रहेगी, घटा भी छाई रहेगी, लेकिन बाकी के जो तीन दिन है जो धूप है वो अच्छी खासी खिली रहेगी, यानी कि सूरज अपने चरम पर होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 से 21 होगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो गंगटोक में चारों दिन कैसा रहेगा हाल, ये हमने अभी आपको बताया। तेलंगाना के निजामाबाद की भी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चारों दिन घटा रहेगी लेकिन धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करना भी बेहद ज़रूरी है, तो ये चारों दिन एक समान यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो निज़ामाबाद में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हमने आपको बताया। तमिलनाडु का भी रुख कर लेते हैं। ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी। अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। अधिकतम
तापमान की भी बात कर लेते हैं। ये 18 से 19 के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश वाला मौसम रहेगा, तो जरूर अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा अगर आप ऊटी घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऊटी के बाद रुक करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का। यहाँ के जो शुरू के 3 दिन है थोड़ी घटा रहेगी, थोड़ी धूप रहेगी, लेकिन जो सोमवार का दिन है अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 33 से 34 के बीच रहेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन 34 डिग्री सेल्सियस और बाद के 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। तो औरंगाबाद के चारों दिन का हाल हमने अभी आपको बताया, पर्यटन पूर्वानुमान हमने आपको बताया। गुजरात के अहमदाबाद की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन जो है सूर्य बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेगा, धूप अच्छी खासी खिली रहेगी। जो अधिकतम तापमान है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन एक समान यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान रहने वाला है। तो ये हमने आपको बताया मौसम पूर्व अनुमान पर्यटन को लेकर। चलिए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। हमारे इस सेगमेंट में खेती किसानी की हम बात करेंगे, यानी कि बिहार और झारखंड के जो किसान हैं उनको खेती किसानी के लिए क्या कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, सलाह दी जाती है, उन्हें किस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार में धान के खेत की देखभाल करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान सरसों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं, यहाँ फूल गोभी की बुआई करते रहें, इसी तरह पत्ता गोभी भी बोएं। बिहार में गन्ने और तिल की बुआई करें, साथ ही मटर और धनिया की बुआई कर सकते हैं। इस समय नींबू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में नींबू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अभी लहसुन की बुवाई कर लें। इसके अलावा बिहार में सूरजमुखी और सरसों भी बोएं। यहीं के किसान मेथी और राजमा की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान धान की कटाई करें, अभी धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। यहीं आलू की रोपाई कर लें, आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही चने के खेत से खरपतवार निकालें, इस समय तोरई की बुवाई करें। झारखंड में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करते रहें। वहीं अरहर को कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। किसान मटर के खेत में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है आज की फसल। तो आज की फसल की अगर बात करें तो आज की फसल है सरसों। सरसों की हम बात कर रहे हैं, सरसों जो है पूरे भारत भर में कहीं भी उगाई जा सकती है और क्योंकि सरसों आसानी से उग जाती है, लेकिन ऐसे में इस फसल को बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, और क्योंकि ये जो सरसों है जलवायु के अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र में बोनी चाहिए, इसलिए ये रिपोर्ट आपके लिए ही है, दिखाते हैं आपको। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 ईसी की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है,
इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। तो सरसों की खेती के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसकी फसल को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो आपने जाना। एक्सपर्ट्स की क्या कुछ सलाह है कि किस तरह से बीज को बोना चाहिए, कब कब पानी कम करना चाहिए, तमाम जानकारी आपने जानी। क्योंकि सरसों एक बेहद ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इससे तेल भी निकाला जाता है और उसका अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के साथ साथ हमने आपको इस शो में और भी अन्य जानकारियाँ दी है, मसलन खेती किसानी में बिहार झारखंड के किसानों को किस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आजकल मौसम कैसा रहने वाला है, ताकि आप अपनी खेती के लिए मौसम के अकॉर्डिंग बीज बो सके, बुवाई रुपाई कर सके। इसीलिए हम ये शो हर बार आपके लिए लाते हैं हर नई फसल के साथ साथ। अब अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर एक बार फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।